हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज सदन में आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा गूंजा। हिमाचल प्रदेश में 2021 और 22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों व उपक्रमों में लगभग 19,916 कर्मी आउटसोर्स आधार पर तैनात है। हिमाचल वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रावधान है। ये जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर के कांग्रेसी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल में विधानसभा में दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बजट में इनका 750 रुपए बढ़ाया है। चिकित्सा व यात्रा भत्ते का प्रावधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कोशिश यही है कि आउटसोर्स कर्मियों को निकाला ना जाए। वहीं प्रदेश में कोरोना फ्री होने के बाद फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर सीएम ने चिंता जाहिर की है। सीएम ने बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश के लोगों व हिमाचल आने वाले पर्यटकों से मास्क लगाने का आग्रह किया है। मामले बढ़े हैं लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपको अतीत देखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और भारत जोड़ो नाम दिया। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि लोकतंत्र कमजोर हो रहा था, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा भारत जोड़ो, एक अभियान के नाते उसको आगे बढ़ाया गया। और इस दृष्टि से उनको जो लोगों का हजूम आया, लोग उनके पीछे चले और कश्मीर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि लाल चौक पर हम ही झंडा फहरा सकते थे, हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ झंडा फहराया, वो इस बात को इंगित करता था कि उनकी मौजूदा जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत अधिक बढ़ रही है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस दृष्टिकोण से एकदम एक ऐसा फैसला आया जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मैं ये कहना चाहूँगा, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब विपक्ष मजबूत, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने देखा कि राहुल गांधी ही जी एक ऐसे व्यक्ति है जो आज समाज के सभी वर्गों की आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस उनके नेतृत्व में मजबूत होती जा रही है। इस दृष्टि से उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि संसद में इनको रोके, क्योंकि अदानी के मामले में उन्होंने नाम बहुत उठाया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी जी ने कई बार कहा है, संसद होना अलग बात है, संसद में मुद्दे उठाना अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी समाज में जो लोकतंत्र को कमजोर करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा और भविष्य में भी उठाता रहूंगा। और वो जानते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब मजबूत विपक्ष होगा, और ये निश्चित तौर पर बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र की आवाज़ राहुल गांधी जी है उसको दबाने की इन लोगों ने कोशिश की है। उसमें मैंने जवाब दिया है, हम सारे दृष्टिकोण को नज़र रख रहे हैं। इस बार हमने आउटसोर्स कर्मचारियों को 750 रुपया भी देने का किया है, बढ़ाया है, और उनको चिकित्सा और यात्रा भत्ता देने की भी बात की। अभी हमारी गवर्नमेंट की आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण ना हो, इस दृष्टिगत काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार उस पर नज़र रखी हुई है, एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। मेरा सभी से अनुरोध है कि मास्क लगा कर रखें ताकि कोई ऐसी फैलना नहीं चाहिए। अभी वैसी गंभीर स्थिति नहीं है लेकिन संख्या बढ़ा है। बहुत बहुत स्थिति पर जांच नज़र रखी है और आने वाले समय में जैसे ही अभी हम प्रिकॉशनरी मेजर अपनाने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।